पायरेटिंग और स्ट्रीमिंग के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने किया थॉप टीवी के संस्थापक को गिरफ्तार। महाराष्ट्र साइबर क्राइम पुलिस ने मोबाइल ऐप पर ओटीटी सामग्री चोरी के मामले में थॉप टीवी के 28 वर्षीय संस्थापक सतीश श्री रामदासु वेंकटेश्वर लू को गिरफ्तार किया। मामले की पूर्ण जानकारी देते हुए बता दें कि कॉपीराइट के अधिनियमों का उल्लंघन करने के मामले में मीडिया एंटरटेनमेंट हाउस अर्थात बायकॉम एटीएम प्राइवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद हैदराबाद में थॉप टीवी के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र साइबर क्राइम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि थॉप टीवी नामक यह मोबाइल एप्लीकेशन कॉपीराइट सामग्रियों को यानी फिल्मों, टीवी शो तथा वेब सीरीजों को बिना अनुमति के आम जनता को रियायती मूल्यों पर प्रसारित कर रहा था, जिसके कारण मीडिया मनोरंजन के घरानों को काफी राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम तथा आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज से शिवानी दुबे की एक रिपोर्ट।